नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट आया है श्रद्धा और आफताब के 6 महीने पुराने एक वीडियो को लेकर। जो आपको बता दें कि कल जहां एक ओर दिल्ली पुलिस की ओर से ये खुलासा किया गया था कि उन्हें श्रद्धा और आफताब का एक पुराना ऑडियो मैसेज मिला है, जिसे कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर कहा जा रहा है आम भाषा में, कि आफताब और श्रद्धा की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है और इस कॉल रिकॉर्डिंग में आफताब जो है वो श्रद्धा को जानलेवा धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा था, जिसके बाद कल आफताब को सीबीआई के फॉरेंसिक लैब ले जाया गया और वहां पर उसका वॉइस सैंपल टेस्ट लिया गया। इसी के साथ पुलिस की ओर से यह भी खुलासा किया गया कि कल आफताब का फेस रिकॉग्नाइजेशन भी किया गया, जिसके बाद लगातार हर किसी के मन में सवाल ये उठने लगा कि ऑडियो से मैच करने के लिए, या यूं कहें कि कॉल रिकॉर्डिंग से मैच करने के लिए, तो वॉइस सैंपल टेस्ट की जरूरत होती है। फिर आखिरकार कल आफताब का क्यों फेस रिकॉग्नाइजेशन किया गया? और अब इसे लेकर के जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि पुलिस के हाथ आफताब और श्रद्धा का एक और सीसीटीवी फुटेज, एक वीडियो हाथ लगा है। इस वीडियो में आफताब और श्रद्धा जाते हुए, एक साथ कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 5 से 6 महीने पुराना है। कहा यह जा रहा है कि वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मुंबई का है। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आफताब के बयान के मुताबिक वो तो पिछले 6 महीने से श्रद्धा के साथ दिल्ली में रह रहा था, फिर आखिरकार ये वीडियो जो कि 5 से 6 महीने पहले का बताया जा रहा है वो आखिरकार यहां पर मुंबई का कैसे हो सकता है? यहां पर सवाल कई और उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो पुलिस है वो खामोश नजर आ रही थी, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। और अब ऐसे में जहां एक ओर आफताब की कोर्ट में पेशी 23 दिसंबर को हुई और वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि आफताब की बेल को रद्द कर दिया गया, आफताब के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन की जो कह सकते हैं मांग की गई, वॉइस सैंपल टेस्ट की मांग की गई, और आखिरकार कल ये जो दोनों चीजें हैं वो ले ली गई। इंतजार यहां पर अब रिपोर्ट का किया जा रहा है। तो आपको बता दें कल यानी कि बीते 26 दिसंबर को आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट लिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। अब अगर रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव होती है तो ये बात साफ हो जाएगी कि पुलिस के हाथ जो धमकी भरा ऑडियो आफताब और श्रद्धा के बीच हुई बातचीत का लगा है, उसमें आवाज आफताब की ही है। आफताब ही वो शख्स है जो फोन कॉल पर, कॉल रिकॉर्डिंग में श्रद्धा को धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। साथ ही अगर फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट में साफ हो जाता है कि वीडियो में दिखने वाला शख्स, सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला शख्स आफताब है, तो फिर इस केस में आफताब पूरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही रिपोर्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि आफताब श्रद्धा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया करता था। नार्को टेस्ट में कहीं ना कहीं आफताब ने पुलिस और डॉक्टर्स को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अगर ये रिपोर्ट पक्ष में आती है तो ये श्रद्धा वालकर के केस में सबसे बड़े सबूत माने जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ पुलिस अजम्पशन ही लगा रही है। चाहे श्रद्धा के पिता का बयान हो, चाहे श्रद्धा के दोस्त का बयान हो, चाहे श्रद्धा के पुराने ऑफिस के जो श्रद्धा के बॉस हैं उनका बयान हो, इन सबके आधार पर किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं है। सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, श्रद्धा से जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस तरीके की चीजें श्रद्धा के साथ हुई होगी। लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग से ये रिपोर्ट्स मैच हो जाती हैं तो ये साफ हो जाएगा कि आफताब श्रद्धा को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करता था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सब सबूत आफताब के खिलाफ मिल जाते हैं तो आफताब को क्या सजा मिलेगी और कब मिलेगी? 23 दिसंबर को आफताब की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से आफताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद अगर इस केस को मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो
4 जनवरी को आफताब की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होने वाली होगी। इस तरीके की बात यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आफताब जिस तरह से एक के बाद एक प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, जिस तरह से पहले उसने जमानत याचिका 17 दिसंबर को दाखिल की और फिर उसके बाद 18 दिसंबर को आफताब कहता है कि गलती से दाखिल हो गई, उससे पहले जब उसकी कोर्ट पे पेशी हुई, पेशी के बाद तुरंत तिहाड़ जेल में पहुंचते आफताब ने दिल्ली पुलिस को बड़ी चुनौती दे दी कि इस केस में अगर दिल्ली पुलिस में दम है तो वो श्रद्धा का सर ढूंढकर दिखाए, वो आरे ढूंढकर दिखाए जिससे श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए। तो कहीं ना कहीं आफताब जितनी बार वो कोर्ट पहुंचा है उसके बाद उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आफताब की 23 दिसंबर को पेशी हुई उसके बाद से आफताब कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहा है। तो ये माना जा सकता है कि शायद अब आफताब ये समझ चुका है कि वो श्रद्धा वालकर के केस में पूरी तरह से फंस चुका है। उसके खिलाफ अब इतने मजबूत एविडेंस पुलिस के पास है जिसके बाद उसके बचने की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिर भी अगर एक छोटे से यहां पर हम उम्मीद लेकर के रखें कि शायद आफताब को बेल मिल सकती है, जैसा कि दावा आफताब के वकील MS खान ने 17 दिसंबर को हुई पेशी के दौरान किया, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया और फिर वो पेशी की तारीख 23 दिसंबर को दे दी गई। साफ तौर पर उसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आफताब के वकील का साफ तौर पर कहना है कि जब तक केस की चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना इस वक्त सही नहीं होगा। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब तक चार्जशीट दाखिल होगी तब तक तो कई सबूत उड़ जाएंगे, जिसका साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ या फिर उन्हें गायब करने की बात की जा रही है। क्या यहाँ पर आफताब के बचने का कोई चांसेस है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के पिता की अगर बात करें, वो लगातार हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस केस में SIT भी इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जब इस बात को लेकर ऐलान किया गया कि श्रद्धा वालकर के केस की कुछ ऐसी गुत्थियां जो मुंबई पुलिस नहीं सुलझा पाई उन्हें SIT की टीम सुलझाएगी, महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस बात का फैसला लिया कि अब श्रद्धा ने साल 2020 में जब आफताब के खिलाफ FIR दर्ज की थी उसे एक महीने बाद आखिरकार वापस क्यों ले लिया, ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई और इस गुत्थी को सुलझाने का जो जिम्मा है वो SIT को सौंपा गया। हालांकि SIT इस केस में छानबीन कब से शुरू करने वाली है इसे लेकर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अब इंतजार इस चीज का जताया जा रहा है, इंतजार इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि 4 दिसंबर तक और ऐसे कौन से बड़े सबूत हैं जो पुलिस के हाथ लगने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि आखिरकार श्रद्धा का क्या पोस्टमार्टम 4 जनवरी तक हो पाएगा, क्योंकि अभी तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, और अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस के पास अपनी चार्जशीट तैयार करने के लिए जितने भी एविडेंस की जरूरत है वो लगभग पुलिस के पास होंगे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर के केस अब आफताब के खिलाफ पुलिस के पास एक बहुत ही स्ट्रांग केस बन चुका है। इंतजार रहेगा कि 4 जनवरी को आखिरकार कोर्ट अब क्या बड़ा फैसला सुनाता है। हालांकि हमारी आपसे जो यहां पर अपनी राय आप जरूर शेयर कर सकते हैं कि सवाल लगातार यही है कि आखिरकार आफताब जैसे दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए और ये जो नया CCTV फुटेज अब सामने आया है इसके बाद ये केस कौन सा नया मोड़ लेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।